दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कहीं सुंदर पहाड़ तो कहीं खूबसूरत जगहें आकर्षण का केंद्र होती हैं। नदियां भी अपने आप में अलग ही खूबसूरती बटोरे हुए होती हैं। आपने भी कई खूबसूरत और रहस्यमयी नदियों को देखा या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं रंग बिरंगी नदी की। ये नदी ऐसी है जो हर साल मौसम के अनुसार अपना रंग बदल लेती है। इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स, जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। कैनो क्रिस्टल्स नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 20 मीटर है। कैनो क्रिस्टल्स नदी का रंग कभी हरा तो कभी पीला, कभी लाल और कभी नीला हो जाता है। इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। साल 2000 में इस नदी के आसपास के इलाके में कुछ हिंसक गतिविधियों वाले गुट रहते थे, जिसके कारण से नदी के आसपास वाले इलाके सुरक्षित नहीं थे। इस नदी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर कोलंबियन मिलिट्री का अधिकार है। ये जगह अब मशहूर पिकनिक स्पॉट भी बन चुकी है। दरअसल नदी के रंग बदलने की असली वजह एक पौधा है। इस कैनो क्रिस्टल्स नदी में मैकारेनिया क्लेविगेरा नाम का एक पौधा है, जिसके कारण इसका रंग बदलता रहता है। इस पौधे को अगर किसी खास मौसम में निश्चित जल या निश्चित सूरज की रोशनी मिले तो इसका रंग हल्का या फिर गहरा लाल हो जाता है। ज़्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का या गहरा गुलाबी और हल्का या गहरा लाल होता है। कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। आपको बता दें कि कैनो क्रिस्टल्स नदी कोलंबिया के सरानिया दी ला मैकेरेना इलाके में बहती है। इस रंग बदलने वाली नदी के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँचा सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।